कि कंप्यूटर कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है। अवश्य चाचा, मैं सब कुछ समझा दूंगी। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के विभिन्न अंगों से परिचित कराती हूँ। यह मॉनिटर है, यह टेलीविजन की तरह है और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखा जाता है। यह सिस्टम बॉक्स है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू होता है। यह सीपीयू ही कंप्यूटर का मुख्य दिमाग होता है। यह कीबोर्ड और माउस हैं। यह दोनों इनपुट डिवाइस हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा भरा जाता है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए, तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर रखिए। सिस्टम बॉक्स के पीछे का भाग देखिए, इसमें विभिन्न डिवाइसें जोड़ने के लिए खांचे बने हैं, जिन्हें पोर्ट कहते हैं। अब इस तरह से मॉनिटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट को VGA पोर्ट कहते हैं। इससे मॉनिटर को जोड़ने वाले तार को VGA केबल कहते हैं। VGA केबल के एक सिरे को सिस्टम के VGA पोर्ट से तथा दूसरे को मॉनिटर से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड दो प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं, PS 2 कनेक्टर अथवा USB कनेक्टर। कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है। माउस तीन प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं, PS 2 कनेक्टर, USB कनेक्टर अथवा सीरियल कनेक्टर। माउस को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है। उसी तरह यदि आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके कनेक्टर जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है, समानांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ दें। अब हम कंप्यूटर को बिजली के मेन बोर्ड से कैसे जोड़ सकते हैं? कंप्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है। एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें। उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें। क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कंप्यूटर को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल, कंप्यूटर चालू करने के लिए निम्न कार्यवाहियों का अनुसरण करें। पहले सिस्टम यूनिट व मॉनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें। तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाकर उसे चालू करें व मॉनिटर का पावर बटन दबाकर उसे चालू करें। अब कुछ क्षण इंतजार करें और देखें कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है। इसे बूट स्क्रीन कहते हैं। धीरे धीरे सभी सॉफ्टवेयर लोड हो जाएं तो कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार है।